आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देखिए थाना बीएनपी ने 24 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसे अंधे कत्ल का खुलासा किया है जिस कत्ल में एक्सीडेंट करके पहले सुपारी ली फिर उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके और आरोपी ने मृतक की हत्या कर दी थी। दो दिन पुराना ये मामला है जिसमें सिंपल एक्सीडेंट की धाराओं में पहले हम समझ रहे थे कि केवल एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल से डेड बॉडी की जब सूचना है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने अपनी अवेयरनेस और अपनी मेहनत के दम पर सभी तरह के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद साइबर की हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसकी मदद ली और उसके बाद समझ में आया कि ये एक हत्या है और इसको इस तरह से अंजाम दिया गया है। श्याम कुमावत नाम का जो व्यक्ति है उसका मृतक के साथ प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद चल रहा था, उसी विवाद के चलते उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए श्याम कुमावत ने एक व्यक्ति को इसकी सुपारी दी। जिस व्यक्ति को सुपारी दी थी उसका नाम अखिलेश प्रजापत पिता राजाराम है। उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए में इसको अपने रास्ते से हटाने की सुपारी दी और 2 आइसर गाड़ियों के ड्राइवरों की मदद से इस हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या में शामिल सभी 5ों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जो वाहन आइसर थे उनको जब्त कर लिया है। जो मोटरसाइकिल और कार इसकी रेकी करने के लिए काम में ली गई थी उनको जब्त कर लिया गया। सर सभी आरोपी गिरफ्तार हैं इसमें? इसमें कुल 6 आरोपी हैं, 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए, 1 ड्राइवर अभी तक नहीं मिला है उसको। हम कौन है सर, क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या? अशोक नाम है सर। इन लोगों ने सर वाहन से कैसे पीछे से टक्कर मारी थी, किस तरह से किया था? यस, भोपाल रोड पर जब मृतक अपनी मोटरसाइकिल से सुबह अपनी डेयरी पर जा रहा था 7:30 बजे तो पीछे से एक आइसर गाड़ी ने जो पहले से उसका इंतजार कर रही थी इसको पीछे से टक्कर मारी। इन्होंने स्पेयर में एक और गाड़ी रखी थी, ट्रक रखा था कि यदि वो बच जाता है तो दूसरे वाले ट्रक से उसकी हत्या की जाएगी। जैसे ही उसकी एक्सीडेंट में हत्या हो गई ये लोग चले गए वहाँ से और एक गाड़ी को उन्होंने हाईवे से डाइवर्ट कर लिया, दूसरी गाड़ी सीधा टोल क्रॉस करके आगे गई। उससे हमें क्लू मिला और उसके आधार पर इस हत्या का खुलासा। सर बड़ी को इनाम देने की भी बात कही है?